सर्वप्रथम हम भाजपा की जो प्रत्याशी रही हेमलता दिवाकर जी, उनको महापौर पर एक बड़ी ऐतिहासिक जीत पर हम उनको हार्दिक बधाई चैम्बर की तरफ से देना चाहेंगे। उन्होंने 1,13,000 से अपने निकटतम प्रतिनिधि को हराया है। ये बहुत ही अच्छा संकेत गया है कि कम पोलिंग पर भी और हमने जो है एक बड़ी जीत हमारी मेयर प्रत्याशी लेके आई है, और एक सुनिश्चित जीत है, एक बड़ी जीत है, स्पष्ट जीत है, तो जिससे कि आगे उनको काम करने में भी सहायक होगी। और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से कर्नाटक के रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से भाजपा इसका कुछ सबक लेते हुए यहाँ हमारे जो है प्रदेश सरकार में भी और हमारी जो शहर की सरकार है इसमें हमें कुछ अच्छे काम देखने को इस बार मिलेंगे। पार्षदों में भी भाजपा की सरकार बन चुकी है, कम से कम 56 से 58 लोग जीत चुके हैं, कुछ निर्दलीय भी उनके संग जुड़ेंगे, तो ऐसा उम्मीद है कि 60 वार्डों में से 60 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी रहेंगे। और वो सब पार्षदों में अगर ये सब मिलजुल के संयुक्त प्रयास किए जाए तो आगरा को हम एक अच्छा स्वस्थ और सुंदर शहर बनाने में कामयाब होंगे। देखिए, इस वर्ष G20 का साल है, आगरा में अगस्त सितंबर अक्टूबर में बैठकें हैं G20 की। हम चाहेंगे कि मेयर जो बनी है हमारी वो स्थाई विकास के जो कार्यक्रम है आगरा के सर्वांगीण चौतरफा विकास में, और जो स्थाई विकास कर सके, जो आगरा के यात्रियों को, जो क्योंकि आगरा टूरिज्म शहर है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आए, यहाँ की सुंदरता सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे कि लोग बाग यहाँ आए, और ये शहर में जितने होटल और जिस तरह से हमने सारा पर्यटन का सब सजा रखा है उन सब का हमारा व्यापार चले और आगरा एक सफल व्यापारिक क्षेत्र की ओर से निकले। यहाँ मेट्रो भी शुरू होने जा रही है, तो यहाँ पर उसी से मैचिंग करते हुए उसी से समकालीन सब काम होने चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल पर्यटन नगरी को हमारी को बहुत साफ सुथरा और स्थायित्व विकास मिलना चाहिए हमारे मेयर के द्वारा।